मैं अब जाहिर है बहुत सारे लोग किस्सा जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग शायद ख़वातीन जो घर में अपने कामों में बिज़ी होती हैं वो अपने बच्चों से सुनती होंगी इंटरनेट पे, या उनके मियाँ उनको बता रहे होते होंगे। एक दफ़ा कैसे आपके अब्बू जो हैं उनका भलाई किस तरह मिस हुए, वो थोड़ी चीज़ हम रिकैप पे चलते हैं। जी जी, ये K2 मैं बताता चलूँ कि थोड़ा सा जोर से बोल देंगे। हाँ, बिल्कुल। K2 जो दुनिया का वाहिद माउंटेन था जो विंटर मैन क्लाइम था। हाँ, तो इस पे हमारा प्लान था, मैं और वालिद थे, दो पाकिस्तानी थे जो विंटर पर ट्राई कर रहे थे। तो बदकिस्मती से 5 फरवरी को हमारा मिशन था K2 को क्लाइम करने का। मैं भी उनके साथ था और उसके साथ हमारे साथ दो एक फॉरनर्स थे, एक चिली का JP मोहर और आइसलैंड का जॉन स्नोरी। तो 8200 तक पहुंचते हुए मेरा जो कुछ सेहत के मसाइल और विदाउट ऑक्सीजन में क्लाइम कर रहा था, मैं नीचे आ गया था, वो ऊपर चले गए थे 8200 से। अच्छा, जब आपके अब्बू जा रहे थे K2 की चोटी को सर करने, आप भी साथ थे? साथ थे, मैं साथ। लेकिन आपकी तबीयत थोड़ी खराब हुई ऑक्सीजन की कमी की वजह से। जी जी जी, मैं नीचे आ गया था, वो तीनों ऊपर चले गए और हाँ। एक कैंप था, कैंप थी 7200 किलोमीटर पर। उधर आकर मैंने उनका इंतजार किया, लेकिन अल्लाह का करना उस दिन मौसम भी खराब था, कोई 5-6 बजे के बाद। कितने घंटे तक आपने इंतजार किया? मैंने कोई 15-16 घंटे, एक रात उधर गुजारी थी उनके इंतजार में। अच्छा। हाँ, और फिर तो, वो जब नहीं आए फिर आप नीचे चले? जी जी, वो नहीं आए, मौसम भी ख़राब हो गया, तो फिर मैं भी सेहत भी ख़राब थी थोड़ी। हाँ। और एनर्जी लॉस थी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बेस कम में जाऊँगा, बेस कम में जाके फिर उधर से हम सर्च एफर्ट और रेस्क्यू एफर्ट शुरू करेंगे। अच्छा जी जी, तो अब मुझे अगर आप ये बताएं कि जैसे आप माउंटेनियर बने हैं, माउंटेन क्लाइंबर बने हैं, उसके लिए क्या होता है, आप लोगों का ताल्लुक पहाड़ी इलाके से? जी जी, हम पर्सनली, हमारे लिए तो हम JB से बिलोंग करते हैं और माउंटेन रीजन है हमारे, पहाड़। अच्छा, पहाड़ी इलाके से। और हम बचपन से ही पहाड़ों में पैदा हुए हैं, तो बचपन में हम जो माउंटेन याक्स और केटल्स के साथ माउंटेन्स पे जाते थे, तो प्रैक्टिस हमारे बकरियां चराने। हाँ हाँ, बिल्कुल। कितने बहन भाई हो आप? हम साजिद, 3 भाई और 1 बहन है हमारी। और वो भी सब इसी तरह पहाड़ों पे चढ़ने का शौक? और मैं पर्सनली, मैं खुद माउंटेन क्लाइंबर हूँ प्रोफेशनल। जी जी, वो तो मुझे पता है। बाकी जो मेरे भाई बहन है वो पढ़ते हैं अभी। वो पढ़ते हैं, छोटे हैं, हैं। हाँ, भाई ये है कि आप जो पहाड़ी इलाके पे रहते हैं उन लोगों को लाइक पहाड़ों से डर नहीं लगता, एक इम्यून होते हैं वो लोग ना पहाड़ों पे चढ़ने के। हाँ हाँ, लेकिन वो थोड़ा वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्क है क्लाइंबिंग, इसमें सख्ती तो होती है, इसमें बर्फ सर्दियों में आपको हवाओं का और बहुत सख्त हालात का वो मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन यूजुअली जो सिटीज़ के पीपल होते हैं उनकी निस्बत हमारा जो नेचुरल बोन है हम पहाड़ों में, तो उस हिसाब से हमारा स्टेपना और हम उसी के यूज्ड टू होते हैं एनवायरनमेंट के यूज़। इफ़ यू वांट टू वॉच मोर एंड गेट अपडेटेड, सो फॉलो AIY Digital's YouTube पेज।